इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऋषि पंचमी की पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व पूजा का, और ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी अध्यापन विधि क्या है और कथा। इससे पहले आपने मेरे चैनल पूनम की आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी महिला को धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। यदि किसी महिला से पीरियड्स के समय धार्मिक कार्य हो जाएं, तो वह ऋषि पंचमी का व्रत कर अपनी भूल सुधार सकती है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस ऋषि पंचमी के व्रत का निर्माण किया है स्त्रियों के पापों को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। अब हम जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा का महत्व, व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में स्त्रियों के दोषों को मुक्त करने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। मान्यता है अगर कोई महिला महामारी के दौरान नियम तोड़ दे तो वह ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषि की पूजा कर अपनी भूल सुधारने के बाद दोष मुक्त हो जाती है। तो यह था ऋषि पंचमी की पूजा का महत्व। अब हम जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में गोबर से चौक बनाएं, इसके बाद ऐपन या रंगोली से सप्तऋषि बनाएं। अब कलश की स्थापना करें, सप्तऋषि को धूप दीप दिखाकर फूल चढ़ाएं, बस सप्तऋषि को भोग लगाएं। अब कथा सुनने के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद बाँट दें। अब हम जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत के नियम। ऋषि पंचमी व्रत के नियम इस प्रकार हैं, जो महिलाएं यह व्रत करें इस दिन हल से बोया हुआ अनाज नहीं खाएं। वह इस व्रत में पसई के धान के चावल खा सकती हैं। महामारी खत्म होने पर मोनोपोज के बाद इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। सन 2020 में ऋषि पंचमी का व्रत 23 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:05 से 13:36 यानी 2:31 का मुहूर्त है। फ्रेंड्स, पूजा सामग्री इस प्रकार है। ऋषि पंचमी के व्रत की उद्यापन विधि की सामग्री में एक लकड़ी की चौकी, 7 वस्त्र, धूप दीप, अक्षत चंदन, सफ़ेद चंदन, मौली, घी, दीपक, 1 पान का पत्ता, 1 साबुत सुपारी, तिल, जौ, ऋतुफल, नैवेद्य, रोली, गंगाजल, पंचामृत, 7 कलश और दक्षिणा। ऋषि पंचमी के व्रत के उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और सभी पूजा सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा कर लें। आसन पर बैठ जाएं, इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद हाथ में अक्षत, तिल, जौ, पान, सुपारी, पुष्प और कुछ सिक्के और जल लेकर अपना नाम, गोत्र, निवास स्थान का नाम लेकर संकल्प लें और सभी सामग्री को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद सबसे पहले धूप दीप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य से श्री गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ब्रह्मांड के सभी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सप्तऋषियों का आवाहन करें और स्थापना करें। इसके बाद अक्षत और पुष्प सप्तऋषि के पास छोड़ दें। इसके बाद सप्तऋषियों को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सप्तऋषियों को वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर सप्तऋषियों को अर्पित कर दें। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद सप्तऋषियों के आगे घी का दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद जल से हाथ अपने धो लें। सप्तऋषियों को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद उनकी आरती करें तथा कथा पढ़ें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा अवश्य दें और गाय को भी भोजन अवश्य कराएं। सप्तऋषि व्रत उद्यापन विधि में व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, इसलिए व्रत का पारण अगले दिन करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन जमीन में बोया हुआ अन्न ग्रहण ना करें। व्रत कथा फ्रेंड्स इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, एक राज्य में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे।
उनकी दो संतान एक पुत्र और एक पुत्री थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में किया था, लेकिन कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। वैधव्य व्रत का पालन करते हुए बेटी नदी के किनारे पर एक कुटिया में वास करने लगी। कुछ समय बाद बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी दशा देख ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी बेटी के पूर्व जन्मों के कर्मों को देखा, जिसमें बेटी ने महामारी के समय बर्तनों को स्पर्श किया और वर्तमान जन्म में ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में सौभाग्य नहीं है। कारण जानने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने पूरे विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया और उद्यापन किया, जिसके प्रताप से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।